वेलकम बैक टू हज़ार द्वारी एंड दिस इज़ द नियरेस्ट आई कैन टेक यू बिकॉज पूरा अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो द मेन फोर्ट अभी बंद है क्योंकि कोविड चल रहा है एंड जितने भी टिकट्स हैं बहुत लिमिटेड टिकट्स हैं वो भी सब सेल आउट हो चुके हैं. सो बाय द टाइम आई रीच आई कांट सी एनीथिंग एंड इतना ही देख सकती हूँ. अगर फिर कभी वापस आती हूँ आने का मन तो है क्योंकि अंदर मुझे देखना है. सिर्फ इतिहास में ऐसे इतिहास के पन्नों में पढ़ा था इनके बारे में. बहुत ही वीर नवाब थे. पूरा बंगाल उनके नाम से जाना जाता था. लाइक ही लिटरली सैक्रिफाइस्ड हिज एंटायर लाइफ फॉर सेविंग वेस्ट बंगाल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी. नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, इंडिया एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत बड़ा मूवमेंट था. सब कुछ बदल गया यू एंड गद्दारी के लिए सब ख़त्म हो गया. मिर्ज़ाफ़र ने गद्दारी किया था. मेरे पीछे वो इमाम बरा है. मुहर्रम के टाइम पे सिर्फ खुलता है, छोटा सा मस्जिद है. अभी पूरा बंद है, सब बंद है. ये आपको दिख सक आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा छोटा कमान है जैसे ही होता था या अंदर से लगाया गया है. अभी मुझे पता चला कि हज़ार द्वारी का हाफ से ज़्यादा पोर्शन गंगा में बह गया था. सो जितना भी है अभी इतना ही है. रिस्टोर करवाया है गवर्नमेंट ने. सो अच्छी जगह पर बहुत भीड़ है. मैं मास्क पहन लेती हूँ. सो गाइज़, मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं आई हूँ और पूरा कुछ बंद है बिकॉज़ आई कैन गेट एक्सेस देयर. एंड ये पूरा पीछे का गार्डन है, आपको जो दिखेगा पीछे भी थोड़ा सा पोर्शन है. सिर्फ बाहर बाहर से ही देख सकते, अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते बिकॉज़ पूरा अभी पता चला कि 6,000 टिकट्स पर डे अलॉटेड है एंड इट्स डबल द टिकट काइंड ऑफ क्राउड. और टिकट्स ख़त्म आज के लिए. सो आज तो हो ही नहीं पाएगा, कल मैं वापस जा रही हूँ. से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा है एंड इससे ऑलमोस्ट डबल पोर्शन बह गया है गंगा में. सो बहुत ही जायजेंटिक स्ट्रक्चर बनाया था. नीचे पूरा तीर कमान रखा हुआ रहता था, अभी भी है शायद. सो देख तू आगे जाने के लिए अनुमति मिलती है कि नहीं, क्योंकि उस साइड में मैं शूट करी थी तब वो गार्ड्स आ गए थे और मेरा आईडी कार्ड देख के पूछे थे. मेरा वही वेन्यू का ही आईडी है. सो अंदर जो पोर्शन है ना पूरा, ये क्या बोले थे, बारूद घर या तीर कमान रखा करते थे उस टाइम पे. और यहाँ से पूरा घोड़ा गाड़ी, लोग माय गॉड डॉगी डॉगी डॉगी, वहाँ से पूरा घोड़ा गाड़ी एंड जितने भी सवारी होते थे उस वक्त पे उनका, दे यूज़ टू कम एंड ट्रैवल फ्रॉम हियर. एक्चुअली एरिया बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही जायजेंटिक है. सो पर पता नहीं, घूम फिर के मैं जितना भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जाती हूँ ना, आई एंड अप कंपेयरिंग देम विद आमेर. सो पता नहीं, वो अगर आमेर आप देख चुके हो या नाहरगढ़ वगैरह देखा है तो उसके बाद आपको कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं. उमेद भवन बहुत अच्छा है, कुंभलगढ़ भी बहुत अच्छा है, बट जयपुर में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है. अच्छा लग रहा है, बंद है. ऊपर म्यूज़ियम है एक्चुअली, उनका जो स्पेशल तलवार है ना, आलमगिरी जो तलवार है दैट वॉज़ लाइक ह्यूज, 7 या 8 feet लंबा वो तलवार है. आप लोग ने हिस्ट्री बुक्स में तो पढ़ा ही होगा. तो दैट इज़ अप राइट देयर. म्यूज़ियम में उनके कुछ कपड़े हैं, जो एंटिक्स वगैरह बच गया था वो सब कुछ रखा हुआ है जो गवर्नमेंट अभी प्रिजर्व करके रखी है हमारे. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट हज़ार द्वारी, जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट्स सो दैट मैं आप लोग के लिए एक वीडियो सिट डाउन बना सकती हूँ. बिकॉज यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे क्या करूँ मैं. That is amazing. मुझे वो बहुत मज़ा आ रहा है. ऊपर से सोचिए बालकनी से वो इमाम बरा का जो लुक आएगा, लाइक द वाइट पूरा स्ट्रक्चर एकदम इन टू द स्काई काइंड ऑफ, आगे पीछे कुछ नहीं है एंड बिल्कुल सन्नाटा फोर्ट वाला माहौल, माशाल्लाह. सो आई विल हेड बैक क्योंकि अभी कुछ देखने के लिए है नहीं, फालतू टाइम पास नहीं करना चाहती. आई विल सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट स्टॉप.
मेरा मास्क है ठीक है, प्लीज़ इतने भीड़ में मैं मास्क के बिना नहीं जाऊंगी, सो डोंट कमेंट डाउन कि कोविड में आप घूम रहे हो। देखो पीछे गार्डन, मैं सेफ्टी मेंटेन करती हूँ खुद के लिए, ओके। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल जहाँ जाऊँगी दिखाऊंगी सरप्राइज है बताऊँगी, नहीं बाय बाय। ये देख के आपको किसी की याद आ रही है? आ रही है, आ रही है। छोटा बुलंद दरवाज़ा लग रहा है ना, ये मुर्शिद कुली खान का मकबरा है, एंड आई अगेन बैक टू मकबराज एंड ऑल। सो ये देखो, स्क्रीनशॉट लगा लेना इसका, हाँ प्लीज़, मेरे पास कोई फ़ोटो लेने के लिए आई हूँ, ट्राइपॉड भी नहीं है आज मेरे पास। ये देखो, यहाँ पे बोल रहे कि मैडम एक्टा गाइड नहीं, मैडम एक्टा गाइड नहीं, इनको पता ही नहीं मैडम खुद ही गाइड है। इतिहास ना निकालना पड़ेगा, रुकिए, मुझे अभी कुछ नहीं पता इतिहास के बारे में, मास्क नहीं खोल सकती, बहुत भीड़ है, सो सेफ्टी। और हाँ, ये सब देख के ना मुझे भाई मुगल एरा का याद आ रहा है, यू नो हाउ आई लव लव मुगल एंड राजपूताना, सो हाँ वही सिमिलर ही है, बिकॉज उसी एरा का है, एंड आपको आर्किटेक्चर देख के लगेगा ऐसे ऊपर रेक्टेंगल ऊपर स्ट्रक्चर है, फिर डोम्स है, एंड दीज आर द आर्चेस, सो आपको देख के मुगल एरा का ही आर्किटेक्चर नज़र आएगा, क्योंकि आर्टिजन्स मोड़ वो सेम ही होते थे। ये देखो पीछे, वहाँ पे ना एक गाइड समझा रहे थे लोगों को कि इसका हिस्ट्री क्या है, क्या है एंड ऑल दैट, तो मेरे को नहीं रहना है, बहुत लेट होगा, ऊपर से मुझे खुद घर जाकर रिसर्च करना है, आई डू इट। गाइड की नौकरी अगर चाहिए ना, अब मतलब किसी के पास है ना, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, मैं गाइड बन जाऊँगी। लास्ट दिन भी मैंने वही किया था, कासिम बाज़ार राजबाड़ी में, मैंने जितने भी MPs आए थे ना दिल्ली से, उनको मैं सब कुछ समझा रही थी कि ये है वो है, तो शी इज़ लाइक दे आर सॉरी शी क्या बोल रही हूँ मैं दे आर लाइक कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो क्या, आपको इतना कुछ कैसे पता, लेकिन एक सुबह राजा जी ने टूर दिया था मुझे, तो बस याद है, तो लोग इतने में इतना याद हो गया ना, पूरा महल घुमा रही उनको महल आई है, और मेरी आँखें ना लिटरली चमक जाती है वो देख के, कि महल के बारे में कोई मुझसे कुछ भी पूछे ना, आई एम लाइक ग्लोरीफाइड आई, चलो पूछ पूछ मेरे से पूछ ना, मैं बताएगी तेरे को। चलो देखते हैं आगे क्या है। आदत ख़राब कर दी है कोविड ने, क्योंकि मैं जब से ट्रैवल कर रही हूँ ना कोविड टाइम्स में, सो आई एम यूज टू द एंटायर एम्प्टी वेन्यूज, सिर्फ मैं ही जाऊँगी और गिने चुने लोग रहेंगे, इतना भीड़ का मुझे आदत नहीं, हज़ारद्वारी में कुछ नहीं देखने मिला बिकॉज इतना भीड़ था, यू कैन इमेजिन 6,000 टिकट्स था, वो सेल ऑफ हो चुका है, एंड अप्रोक्सीमेटली 6,000 मोर पीपल आर देयर विदाउट टिकट्स, सो रुको मास्क खोलने दो। सो मेरा ना आदत बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब मेरा वही है कि खाली खाली जाके मैं VIP टाइप का पूरा सैर करूँ, क्योंकि ताज में भी मैंने वही किया था, मुश्किल से 100 लोग थे पूरे प्रमाइसिस में, लाइक इतना बड़ा स्पेस में ओनली 100 पीपल वर देयर, एंड आपने तो ट्रिप का पूरा वीडियोस देखा ही है मेरा, 2-3 और वीडियोस बाकी है, मैं दे देती लगातार, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने एडिट भी कर रखा है, बट वाईफाई नहीं आ पाया, मैं काम के लिए आई हूँ, सो अपलोड बिल्कुल नहीं कर पाई, और मुझे अभी मकबरा देखना है कि मकबरा एक्चुअली है कहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आइडिया है इस जगह के बारे में, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, वरना पूरा रिसर्च के बिना मज़ा नहीं आता, मुझे देख तो लेती हूँ फिर मज़ा नहीं आता है।
सो यही वो कब्र है मुर्शिद कुली खां साहब की, जहाँ वो जन्नत नशीन है। और बंगाल के वो पहले नवाब, वो वीर वो योद्धा जो पता नहीं बंगाल को कहाँ कहाँ तक लेके गए थे, इतना जो नाम है, इतना सब कुछ, सिर्फ सब इन्हीं का दान है। और यहाँ पे वो ऐसे वीरान गुमनाम कब्र में लेटे हुए हैं पता नहीं कितने सदियों से। यही तो बहुत सारे लोग आ गए, मैं अंदर वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई। और अभी अभी गाइड से पता चला दैट उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके कब्र को ऐसे प्रॉपरली, जो बांधना नहीं होता है प्रॉपर एकदम मार्बल के एंड ऑल दैट, जो आप ताजमहल में देखोगे, अलग अलग मकबरे में देखोगे, वो उनकी इच्छा नहीं थी। उनका मन था कि उनके जाने के बाद उनके कब्र के ऊपर जो मिट्टी है ना, वो जितने भी उनके आवाम आए, दूर दूर से लोग कभी भी देखने आए, तो उनके पैरों की मिट्टी उनके कब्र के ऊपर ज़रूर पड़े। और ये पूरा कुछ था नहीं पहले, ऊपर वो खाली था, ऐसे लोहे के नेट से कवर्ड था। उसके बाद ये बहुत सालों बाद बनाया गया है ताकि वो प्रिजर्व हो पाए। और आप सबको तो पता ही है मुझे मकबरों से कितना लगाव है, कितना सुकून मिलता है मकबरे में आके बैठने में। थोड़ा देर पता नहीं इतना वीरान रहता है ना, तो थोड़ा फुर्सत से ना बातें कर सकता हूँ खुद से, आराम से बैठ को बहुत अच्छा लगता है। पूरा एम्बियंस इतना शांति भरा है ना, एंड इट्स लाइक अ होली प्लेस। अगर कोई बहुत पुराने रूलर या नवाब या ऐसे कोई जितने भी मस्जिद वगैरह दरगाह में जाता है, सो इट्स सिमिलर टू दैट, मुझे बहुत पसंद है। और फोटोज़ वगैरह कुछ ले नहीं पाए क्योंकि मैं खुद ही ट्रैवल कर रही हूँ, खुद ही वीडियो कर रही हूँ, और गाइड नहीं लिया है, मुझे लेने का बिल्कुल मन था, कभी नहीं लेती हूँ मैं। बट दिस इज़ द प्लेस, इसको कटरा मस्जिद कहते हैं। मैं थोड़ा सा रिसर्च करके वीडियो ज़रूर डालूंगी, आप लोग देखिए पूरा वीडियो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो। और पता नहीं अगर भैरमपुर वापस आना हुआ तो मैं पूरा डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगी।